नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज के मौसम के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आने वाले 72 घंटों में मौसम किस प्रकार का रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए। भारतीय मौसम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों के लिए इन राज्यों में तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी हो सकती है तथा कुछ जगहों पर बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। बीते एक सप्ताह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है, कभी बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है, थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाते जाते भी 10 से ज्यादा राज्यों को भिगोकर जाएगा। उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में इस हफ्ते मानसून मेहरबान रहेगा और कहीं कहीं तो जमकर बारिश भी होगी, जिससे गर्मी से मौसम से लोगों को राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में मध्य महाराष्ट्र में बारिश के आसार हैं, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ ही तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में कुछ इलाकों में तो चक्रवाती यानी चक्रवाती तूफान भी आने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान समेत 9 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर दोस्तों आप भी अपने राज्य का मौसम जानना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने राज्य और क्षेत्र का नाम जरूर लिख दें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी सूचना दे सके। जय हिंद।